सोनोटेक कैसेट्स। सज्जन प्रेमियों के सामने किस्सा चंद्रहास पेश कर रहे हैं। किसी समय का जिक्र है कि किरथल अर्थात केरल देश में मेधावी नाम के राजा राज करते थे। वह चक्रवर्ती राजा थे जिन्हें कोंतलपुर के ध्रष्ट बुद्धि राजा तथा चंद्रावती के कालिंदी राजा कर अर्थात टैक्स दिया करते थे। मेधावी राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन मुनि नारद मेधावी राजा के दरबार में आते हैं। नारायण नारायण नारायण। हा 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 हा। आज तो नारद मुनि जी पधार रहे हैं। मुनि जी प्रणाम। खुश रहो राजन। कहो राजन, प्रजा में तो सब कुशल हैं? हाँ महाराज, सब कुशल ही कुशल है। राजन, फिर ये क्या कारण है जो ऐसी उदासी लाए बैठे हो? गजब है, भोली दुल्हन की तरह शरमाए बैठे हो। नारायण नारायण। बाँच नहीं पाया कोई, तकदीर लिखी क्या गिरधर ने, गुरुदेव तकदीर में औलाद लिखी ना गिरधर ने। आप बड़े नादान और ना समझ हैं, तकदीर क्यों नहीं बाँच सकते? ये ज्योतिष तो तकदीर का एक एक हरफ खोल कर रख दे। दूसरी बात ये कि गिरधर को क्यों दोष देते हो? नारायण नारायण। तो गुरुजी, इसमें मेरा क्या दोष है? ईश्वर न्यायकारी है। नारायण नारायण, ईश्वर न्यायकारी है। बिना अपराध के कोई दंड नहीं मिलता। तुम्हारे विचार ठीक नहीं होंगे राजन, इसलिए आपको ये दंड मिला है। आहा, और ज्यादा बहस मत करना राजन। नारायण नारायण नारायण। खैर, मैं बहस नहीं करता हूँ, लेकिन गुरुदेव मुझे मेरा अपराध भी बताओ जिससे मैं सुधार कर सकूं, और संतान पैदा होने का उपाय भी बताओ। नारायण नारायण नारायण। राजन, तुम अधीनस्थ राजाओं से तादा से ज्यादा टैक्स लेते हो। बस इतना लो कि खजाने में कमी ना हो। सत्य अहिंसा एवं क्षमा का पालन करना। कर रावण भी लिया करता था ऋषियों से। नारायण नारायण नारायण। वैसा ही करूंगा गुरुदेव, जो आदेश करोगे। आपका हुक्म सिरोधार्य करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। तो ठीक है राजन, आज हम आपको वरदान देते हैं। नारायण नारायण नारायण। राजन, ऐसा पुत्र होगा तेरा जो सब विद्याओं में पास होगा। राशि होगी मेष उसकी, नाम चंद्रहास होगा। प्रभु का वो भक्त होगा और मेरा दास होगा। नारायण नारायण नारायण। जय हो गुरुदेव की, श्री नारद जी की जय हो। नारायण नारायण नारायण। लेकिन राजन, एक बात और याद रखना, लड़का छंगा होगा अर्थात पैर में 6 उंगली होंगी। उंगली नहीं कटवाई तो तुम्हारे लिए निषेध होगा, और उंगली कटवा दी तो फिर तो चक्रवर्ती नरेश होगा। नारायण नारायण नारायण। धन्य हो गुरुदेव। सज्जन प्रेमियों, नारद जी के वरदान से मेधावी की रानी को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम चंद्रहास रख दिया गया। लेकिन खुशी में राजा उसकी 6 उंगली कटवाना भूल जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज। कहो मेरे प्रिय सेव को, क्या खुशी है? महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मंत्री जी, कहिए महाराज। इन्हें सोने की 100 असरफिया दी जाए, सारे शहर में मिठाइयां बांटी जाए, खुशियां मनाई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, जय हो। कौंतलपुर नरेश दृष्ट बुद्धि का हल्का संदेश लेकर आना चाहता है। इजाजत है। मेधावी नरेश, हमारी फौजों ने पूरा किरथल राज चारों ओर से घेर लिया है।
युद्ध के लिए हम आपकी सीमाओं पर ललकार रहे हैं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, तुरंत सीमाओं के लिए सेना लेकर कूच किया जाए। आगे मैं चलूंगा। जो हुक्म महाराज। महारानी जी, युद्ध का समाचार हलकारा लेकर आना चाहता है। स्वीकृति है हलकारे, क्या समाचार है युद्ध क्षेत्र का, शीघ्र बताओ। महारानी, अफसोस, महारानी अंबर से आग की बारिश हो गई, समुद्र से सुनामी तूफान आ गया। आखिर क्या हुआ संदेशवाहक? सम्राट हमारे कृपा निधान राजा युद्ध वीर गति में प्राप्त हो गए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चंपा, मैं अपने लाडले को तुम्हारी गोद में दे रही हूं। मेरी मृत्यु तो अब निकट है। मैं बिना पति के जीवित नहीं रहूंगी। तुमने ही तो अब तक पाला है, अब तक तुम धाय थी, लेकिन अब इसकी माँ हो। महारानी जी, बहुत कर वसूली करता था हमसे मेधावी, अब किरथल को लूटने में मैं ही कसर नहीं करूंगा। मंत्री मंत्री जी महाराज, लेकिन एक कार्य सबसे पहले करूंगा। ये मेरा ऐलान न हर किस बिसराया जाए, 12 साल से कम का बच्चा भट्टी में झुकवाया जाए। मंत्री जी, शहर में ये मेरा ऐलान कर दिया जाए। जो हुक्म महाराज। सुनो सुनो, ऐलान सुनो, शहर का 12 साल से कम का हर बच्चा राजा के दरबार में हाजिर किया जाए, जीवन की डोर भी टूट सकती है। हे प्रभु, कैसी मुसीबत हो गई, किसकी थी, अब किसकी हुकूमत हो गई, किसकी थी, आज किसकी अदालत हो गई, आज मेरी पस्त हिम्मत हो गई। जो मैंने यहां रख लिया, मेधावी का लाल बिन मारे छोड़े नहीं, प्रातः काल चंडाल। चंद्रहास ने ले गोदी में करते बाहर निकलेगी। क्या बालक कहाँ ले जाऊं, रोटी की घर चढ़ेगी। चंद्रहास ने वृक्ष के नीचे बैठ के रात बितावन लागी। कदे रोवे कदे चुप हो जा गई, आजू डकरावन लागी। चंद्र
चंद्रहास ने ला छाती के मन समझावन लागी। हाँ चंद्रहास ने ला छाती के मन समझावन लागी। इसको दो से देव मेरे बच्चे किस्मत बोती पड़गी चंद्रहास ने ले गोदी में करते बार करेगी। जाना बालक कहाँ ले जाऊं रोती की धड़कनगी चंद्रहास ने ले गोदी में करते बार करेगी। जन्म विपत में पाया जपता हो जा कदे कमर के नीम का तेल लगाया। बिजली कड़के बूंद पड़ती बुकड़ में दुबकाया। डर लग गया रात अंधेरी फिर दिन निकड़ आया। डर लग गया रात अंधेरी फिर दिन निकड़ आया। चलने की फिर सूरत लगाई चलने की फिर सूरत लगाई आगे सीने बजगी करते। सज्जन प्रेमियों, इस प्रकार से चंपाधाय एक वर्ष के बच्चे चंद्रहास को गोद में लेकर जंगल पहाड़ों से गुजरती हुई भूखी प्यासी गिरती पड़ती उसी शहर की ओर रुक कर लेती है जहां का राजा धृष्ट बुद्धि दीवान था। यहां तक पहुंचने में धाय को चौकस 3 दिन लगे। तब तक राजा धृष्ट बुद्धि भी केरल का राज अपने सेनापति के सुपुर्द करके कोंतलपुर आ पहुंचा था। धाय हार थक कर एक पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। उधर से राजा धृष्ट बुद्धि अपने मंत्री के साथ घूमते फिरते चला आया तो धृष्ट बुद्धि दीवान कहता है, मंत्री देखो उस पेड़ के नीचे कोई स्त्री यहां इस जंगल में बैठी हुई है। जी महाराज, और उसकी गोद में आंचल में एक बच्चा भी है। मुझे लग रहा है कि वह सुबक भी रही है। जाओ उसको यहां बुला कर लाओ। जो हुक्म महाराज। स्त्री तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां जाना है और रो क्यों रही हो? महाराज मैं एक अभागन हूं, दुखी आ रही हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम रो क्यों रही हो? महाराज मैं और मेरा पुत्र भूखे हैं,
इसके पिता कहाँ हैं? वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ मेरा प्रभु ले जाएगा। देखो स्त्री, इस बच्चे के कारण मुझे तुम पर बहुत दया आई है। यदि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है तो यहां से सीधी राजा के महलों में चली जाओ, आराम से रहो। धन्य हो, धन्य हो महाराज, आपकी जय हो, महाराज की जय हो। और देखो, मेरे राजमहल की दासियों की तुम दासी बनकर रहोगी, अन्य दासियां रानियों की सेवा करेंगी, और तुम दासियों और बांदियों की सेवा करना। मुझे मंजूर है महाराज, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी एक बात और ध्यान से सुनो, मुझे तुम पर दया आ रही है, क्योंकि तुम एक अबला नारी हो, और जो मैं पूछता हूं उसका भी उत्तर दो। जी हुजूर। सज्जन प्रेमियों, इस प्रकार से धाय मां अपने बच्चे चंद्रहास को लेकर के राजा के महलों में आ जाती है। हां बेवारस की ढाण गाल में और घूम जवानी घर तै लिखड़ी फिरती ठोकर खाती, व्याकुल गात हुआ तेरा तू लिपटी घूंघट गाती, कौन सा बना कसूर तेरा के पिछड़ा जीवन साथी, सुबक सुबक कै क्यों रोवे तेरी घर भर आवे छाती। और कौन देसे आई सुरती, कौन देसे आई सुरती, कहां जाने की लाई, ना दुखिया का छोड़ ठिकाना ना यारी असनाई, बेवारस की ढाल गाल में तू घूमे कौन लुगाई, कैरो ताज कमर ले तारा अलग हुई पति जोड़े से, दामन छिटम छीटे हुआ तेरा गोबर माँ की जोड़े से, आवे दया तेरे बालक किना चैन मिले मन मोड़े से, एक ठिकाण चित धर लेना खादा गोटे तोड़े से। और उम्र तेरी खेलन खावन की हो,
कोई फिर तवाई। मदनावत की गोदी में रोतास दिखाई देसे के, मछोदरी की गोदी में वेद व्यास दिखाई देसे के, यशोदा की गोद कन्हैया खास दिखाई देसे, कुंती की गोद में कर्ण सूर्य की आस दिखाई देसे। यो फूल सा बालक लिए गोद में, फूल सा बालक लिए गोद में, गंगा में गिरण आई। और अब मैं तुझे जो मशवरा दे रहा हूं जरा उस पर ध्यान करना, नहीं तो फिर तू दुख भी पाएगी। हाँ याना बालक पड़ जा, तेरे पेट भरण का ढंग हो जा, हमारे पास रहा करिए तेरे ऐस करण का ढंग हो जा, शीश उठा के दुनिया में तेरे पैर धरण का ढंग हो जा, ना मन ते देख लिए फिर तेरे मरण का ढंग हो जा। जो करम पाल ही देसी तेरा, करम पाल ही देसी तेरा, चाहवे तेरी भलाई। कह जैसे ना मिटे जगत में निधि की कर्म लिखाई, और बेवारस की ढाल काल में तू घूमे कौन लुगाई। वहां राजा की रानियों की और दासियों की सेवा करती रही, समय बीतता गया। अब तो चंद्रहास बच्चा 5 साल का हो जाता है। बच्चों के साथ में खेलने को उसका बहुत मन करता था, लेकिन कभी बाहर नहीं जाता था क्योंकि दूसरे बच्चे बड़े लोगों के होते थे। लेकिन एक दिन अधीर व्याकुल और बेचैन होकर के खेलने की जिद करने लगता है। अपनी माँ से एक दिन पूछता है, माँ। हाँ बेटा। हमारी गली में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं माँ, लेकिन मैं तो दूर ही खड़ा देखता रहता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, आ तुझे प्यार तो करूँ। माँ मेरा मन भी उनके साथ खेलने को करता है। लेकिन बेटा उनमें राजा का लड़का, मंत्री का लड़का, दरबारियों के बच्चे होंगे। वे बड़े लोग हैं बेटा और हम छोटे हैं, भला बड़े छोटों का क्या मेल। माँ खेल में भला कोई बड़ा छोटा थोड़े ही होता है। मेरा बेटा बड़ा भोला है। माँ आज मैं सब बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, क्या आज्ञा दोगी माँ? और जरा ध्यान से सुनना माँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। Thank you.
छोटे छोटे बालक माँ गली यो में करट खेल रहे, तू कह दे तो जाओ वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। छोटे छोटे बालक माँ गली यो में करट खेल रहे, तू कह दे तो जाओ वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल।
छोटे छोटे बालक मांगली जो में करट खेल रहे तू कैद तो जाओ वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे छोटे छोटे बालक मांगली जो में करट खेल रहे तू कैद तो जाओ वहाँ पे जहाँ सब बालक खेल रहे। अरे भाई सुखेन, ओ सुखेन, कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ भाई बदन, तेरी बातों की तरफ कान है मेरा। तो खेलने के लिए तैयार नहीं? अरे भाई अभी लड़के कम हैं, और आ जाने दो। अरे भाई जगदीश नहीं आया अब तक? भाई मैं तो आ गया पर सतीश नहीं आया। लो वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। लो मैं भी आ गया, आज ही तो देर हुई है, सबसे पहले तो मैं ही आया करता था। अरे यार मैं भी एक नया खिलाड़ी भर्ती हो गया हूँ। वाह अब खेल अच्छा रहेगा, गोली है तेरे पास? ना भाई, चार गोली उधारी दे दो। चलो खेलते हैं सब। ए ए, ए, ए ये चंद्रहास हार गया, चंद्रहास हार गया। ला दे मेरी गोली, मेरी उधारी गोली दे, ला दे। अब तो मेरे पास है नहीं, फिर दे दूंगा। ला दे मेरी गोली, मारो 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 मारो। हूँ हूँ, भगाओ इसे भगाओ, इसके माता पिता का तो पता नहीं, ना जाने किस औरत का बच्चा है। वो कोई इसकी माँ थोड़ी है, कहीं से चुरा के उठा लाई होगी। माँ माँ सबसे पहले ये बताओ कि मेरे पिता का क्या नाम है, मेरी माता कौन है, और तुम कौन हो, और मैं कौन हूँ। बेटा आज तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, सब बच्चे बोल रहे थे कि ये औरत इसकी माँ नहीं है। बेटा आज तुमने मेरे दिल के उस जख्म को हरा कर दिया है जिस पर मैं लंबे समय से मरहम लगा रही थी। कैसा जख्म माँ? तुमने आज मुझे वो सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया है जो मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बताया। पर पहले ये बताओ कि तुम ये बात किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं माँ, नहीं बताऊंगा। तो सुन बेटा, तेरे पिता का नाम राजा मेधावी था जो कीर्थल के नरेश थे, और तेरी माता का नाम रानी रूपमती था। तेरे माता पिता को इसी दृष्ट बुद्धि दीवान ने मौत के घाट उतारा था। अच्छा माँ? बेटा तेरी माँ तुझे मेरी गोद में सौंप कर स्वर्ग सिधार गई थी, तुझे मैंने ही अपना दूध पिलाया, पाला पोसा है। माँ मेरे पिता भी ऐसे ही राजा थे जैसे मदन के पिताजी हैं? हाँ बेटा, लेकिन ये तो चांडाल है और वो गुणवान न्यायप्रिय थे। माँ मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। बेटा क्या तू मुझे अपनी जननी माँ के जैसा ही मानेगा? हाँ माँ, अपनी जननी माँ से भी बढ़कर मैं आपको सारा जीवन मानूंगा। माँ आज मैं खेल खेल में बच्चों से हार गया था, उन्होंने मेरी पिटाई भी की थी। हार गया था? फिर मैं तेरी माँ नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी मैं तेरी माँ। माँ तुम मेरे से रूठ गई क्या? हाँ रूठ गई, जा रूठ गई मैं तुझसे, अब नहीं बोलूंगी, जा हट। प्रेमी सज्जनों, नादान बच्चे के दिल पर पहले तो बच्चों ने चोट पहुंचाई और फिर माता ने, अब तो उदास होकर घर से निकलकर चंद्रहास चल देता है। जंगल में जाकर एक ऊंचे से टीले पर बैठ जाता है, धीरे धीरे सुबक रहा है। इतनी देर में नारद जी चले आए। नारायण 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 नारायण। अरे लड़के तू कौन है और कहां से आया है, इस भयानक वन में क्यों फेरा लगाया है? महाराज मैं भगवान से मिलूंगा। अरे नादान, जिसके लिए ऋषि मुनि करोड़ों यत्न कर हार जाते हैं, तू ओंकार परम ब्रह्म को कैसे पा सकता है? नारायण नारायण। गुरुजी
अलबत्ता मैं नादान हूँ, पर ये ना समझना मैं अज्ञान हूँ। ध्रुव बालक को जिसने जंगल में जलवा दिखाया था, भक्त प्रहलाद को जिसने एक अहंकारी से बचाया था, मुझे भी उसके दर पे नाज है जो सबका वाली है। मिटा देगा मेरी हस्ती, क्या वो रहन से खाली है? नारायण नारायण, अरे तू क्या चाहता है ये बता। गुरुजी, मैं बच्चों से हार गया हूँ। मेरी माँ ने ताना मारा तो मैंने बन की राह ले ली। मुझे गोलियाँ चाहिए, मुझ पर उधार है गुरुजी। तो सुन, तेरी जिंदा दिली पे तुझे इनाम देते हैं, तेरी रक्षा के लिए तुझे सालग राम देते हैं। गुरुजी, इस सालग राम के क्या गुण हैं? नारायण नारायण, विरोधी तेरे से भयभीत होंगे, तेरी जीत और उनकी हार होगी। गुरुजी, मुझे सालग राम नहीं चाहिए, मुझे गोलियां चाहिए, गोलियां। अरे बच्चा, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। तुम जो मांगोगे सो मिलेगा बच्चा, इस सालग राम से जो मांगोगे सो मिलेगा। हेरले गोली सा लगी राम की सदा रखिए अपने पास बखत पे समझ के पाड़े। हाँ, या तन भगत समझ के पाड़े, घड़ी टाले कास्ती तमाम की तेरी हो जा पूरी आस फिर तेरा ब्याह कर।
में करो आनंदे। हेरे कट गे जन्म जन्म के फंदी, हाँ कट गे जन्म जन्म के फंदी। श्री लक्ष्मी चंदे घरे काम की मिले राज पाटी रणवासिया धीरे बतावेगी रे 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 ले गोड़ी साल की राम की सदा रखिए अपने पास बखत पे काम मेहरवानो। चंद्रहास नारद जी से सालग्राम की गोली लेकर के घर वापिस चला आता है, आकर के पूजा करता है और सालग्राम जी से चार गोलियां मांगता है। तुरंत उसके हाथ पर गोली आ जाती है। अब सीधा चंद्रहास अपने मित्रों के पास में जाता है खेल में और खेलता है। चंद्रहास की जीत होती है और जब माता को सारा हाल बताया तो माँ उसे बहुत प्यार करती है। समय बीतता चला जाता है, चंद्रहास अब जवान हो जाता है। उधर राजा धर्षबुद्धि दीवान की बेटी विषया शादी के योग्य हो जाती है, उसका स्वयंवर रचाया जाता है। एक दिन राजा धाय को बुलवाता है और कहता है, आज हमारी बेटी विषया का स्वयंवर है, लड़के चंद्रहास को पहरेदार बनाकर उस जोड़ी पर खड़ा कर देना जहां जूते उतारे जाते हैं। दोस्तों, धाय ऐसा ही करती है। बड़े बड़े राजे महाराजे स्वयंवर में आते हैं, सभी की जन्म कुंडली मिलाई जाती है, कोई भी वर विषया से मेल नहीं खाता। इतनी देर में नारद जी चले आते हैं। नारायण नारायण नारायण, कैसे व्याकुल हो राजन? मुनिवर, मेरी पुत्री की शादी के योग्य कोई भी उचित वर नहीं मिला। क्या इस पृथ्वी पर मेरी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं है? मेरी पुत्री सभी उम्मीदवारों को देखकर वापिस चली गई। राजन, जितने भी राजा महाराजा राजकुमार भद्र पुरुष एवं साधारण पुरुष इस स्वयंवर में उपस्थित हैं तथा इस पृथ्वी पर जीवित हैं, उनमें केवल एक ही वर तुम्हारी पुत्री के योग्य है। हाँ हाँ, वही तो पूछना चाहता हूँ। राजन, ठंडा करके खाओ। नारायण नारायण नारायण, वो जो डोडी पर पहरेदार खड़ा हुआ है ना, जूतियों का पहरेदार, वही तो तुम्हारी पुत्री का वर है। ये क्या कह रहे हो? ये झूठी है तेरी बात, क्यों बेकार करे बेकायदा, सांप की मौसी बन के आ गया, बना फिरे तू दादा। नारायण नारायण नारायण, तो सुन राजन, कुछ दिन में दिन आवेंगे, ये पति पत्नी कहलावेंगे, तू आप झुकावे मेवा की डाली, ये तोड़ तोड़ के खावेंगे। नारायण नारायण, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो? अभी दरबार से बाहर निकल जाओ। नारायण नारायण, महाराज अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण नारायण। सज्जन प्रेमियों, क्रोध में काफूर होकर राजा धृष्टबुद्धि घोषणा करता है भरे दरबार में कि मैं ये ऐलान करता हूं कि नारद जी की ज्योतिष को झूठी साबित करके दिखाऊंगा और इस पापी चंद्रहास को कत्ल करवाऊंगा। गुस्सा बदन में छा गया, सुन नारद की बात, चंद्रहास के जाय के दई मार कमर में लात। कंगले नौकर, तेरी क्या औकात कि तुम मेरी पुत्री का पति बन जाए? कभी सपने में भी मत सोचना। राजन,
महाराज, पहली बात तो ये कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, और फिर प्रारब्ध के लेख क्या भला कोई मिटा सकता है पृथ्वी पर? लेकिन तेरे लेख को आज मैं मिटा कर रहूंगा। चल्ला दो, ले जाओ इस पापी को जंगल में, ले जाकर कत्ल कर दो। नहीं नहीं, ऐसा ना करो महाराज, नहीं, मेरे पुत्र का कोई कसूर नहीं है। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, जला दो, इसे छोड़ दो। ऐ दासियों की दासी, मेरी गुलाम, मेरी जूतियों की धूल, पीछे हट जा भिखारन। महाराज, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, मेरे लाल की जान बख्श दो महाराज, मेरे लाल की जान बख्श दो। दया की भीख मांगती हो? क्या कभी कुत्ते और हिरनी की जोड़ी मिलती है? क्या कभी कव्वे और हंसनी का मेल होता है? ले जाओ इसे यहां से। झलक देखनी है तो चल, हम तुझे छत पर ले चलते हैं, वहां कोठे पर चढ़कर जाते हुए उसकी एक झलक देख लेना। ए चलो, ए चलो, चलो, ले चलो, 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 छत पे ले चलो, 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 जल्दी चलो, ले चलो, दिखा दो उसकी, ले चलो, मुझे मेरे लाल की एक झलक दिखा दो, मुझे मेरे लाल की एक झलक दिखा दो, मेरा फूल जैसा बेटा, मेरी माया, मेरी माया। मेरा चंदर चांद सा चेहरा, माँ देखे कोठे चढ़ के, बेवारस के बेटे ने
अनुष्या, तू भी बड़ी उदास बैठी है, क्यों शादी पीछे हट गई इस कारण से? ए बहन, ये भी उदास ठीक ही तो है, क्योंकि शादी तो अगले साल भी हो जाएगी, पर एक दुर्घटना भी तो घट गई, उसकी वजह से परेशान है विष्या। क्यों बहन, ऐसी क्या बात है? बहन, ऐसी घटना तो घटती रहती है, कोई पैदा होता है, कोई मरता है, कोई बीमार, ये सब तो चलता रहता है। नहीं बहन, ये घटना साधारण नहीं है। जब कोई निर्दोष बिना खोट मारा जाता है ना, तो धरती आसमान पशु पक्षी और ये सारी प्रकृति रोती है, कराहती है। ए, तू उस नौकर कंगले चंद्रहास की बात कर रही है क्या? हाँ बहन हाँ, वो कंगाल तो जरूर था, लेकिन इंसानियत के सद्गुणों का बड़ा धनी था। वो नौकर तो जरूर था, लेकिन अपने मृदु स्वभाव और मात्र भक्ति का राजा था राजा। सीधा, सच्चा, सरल स्वभाव, सुंदर, होनहार, आज्ञाकारी था। बस बस सखी, ज्यादा उसके मुंह में मत फंसो, जो दुनिया से ही चला गया उससे कैसी प्रीत, अपना मन हटाओ। नहीं बहन, अब उससे मन नहीं हट सकता। मैं कसम खाकर कहती हूं कि सारी उम्र अब मैं किसी से शादी भी नहीं करूंगी। ऋषिवर नारद ने उसे मेरा पति बताया है, अब वही मेरा पति होगा। जीते जी तो उसे नहीं मिल सकी, स्वर्ग में अवश्य मिलूंगी, अवश्य मिलूंगी, अवश्य मिलूंगी। प्यार के मोती बनाकर हम जमीन पर बो चुके, पर वो हमारा हो न हो, पर हम तो उसके हो चुके, हो चुके, हो चुके। अरे गए पालम दूर नगरिया, मौसम
उधर तो धाय कोठे से गिरकर घायल हो जाती है, इधर जल्लाद लड़के चंद्रहास को जंगल में ले जाते हैं। जब तलवार मारने को तैयार हो जाते हैं तो लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्या विनती करता है। भाइयों भाइयों, मैं तुम्हारे से एक प्रार्थना करना चाहता हूं और मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुनना, मुझे तब मारना। सुनाइए। क्या तुम ये नहीं समझते कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं? ये हम नहीं जानते, तुम निर्दोष हो या दोषी, हमारा काम सही गलत देखना नहीं है, हमारा काम हुक्म की तामील करना है। भाइयों, क्या तुम इंसान नहीं? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़क रहा है? हमारे सीने में दिल भी है, लेकिन हम दिल की बात नहीं सुनते। यदि मेरी जगह तुम्हारा अपना बेटा होता तो क्या तुम्हारा दिल दया रहम नहीं खाता? भाई, हमें रहम भी आता है और तेरे पे दया भी आती है, पर हम तो नौकर हैं। भाइयों, तुम मुझे मारोगे तो जरूर, तो मेरी दो बात तो सुन लो। ले सुना। मैं जल्लादों के हाथ सौंप दिया, घना कर्मा का हेटा करके बिना खोट क्यों मारन लगे, बेवारस का बेटा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया, घना कर्मा का हेटा करके बिना खोटू मारन लगे, बेवारस का बेटा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया।
तुमने अपने मन की सारी बात कह ली। हाँ कह तो ली, और कह करके मेरा मन हल्का भी हो गया है, लेकिन अब मैं ऐसा भी महसूस कर रहा हूँ कि अब तुम मुझे मारोगे भी नहीं। वाह वाह, क्या कहने हैं तेरे, तू हमें उल्लू बना रहा है, हम तुझे छोड़ देंगे, ये तुझे वहम है, मौत के डर से पागल हो रहा है। तेरा तो अभी एक मिनट में कबूतर सा खिला देंगे, जैसे मक्का में फूट खिलती है। तो तुम ये समझते हो कि मैं मौत से डर रहा हूं? मैं इतना कायर नहीं हूं। मैं तो सोचता था कि तुम्हारे दिल में कुछ इंसानियत होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो उठा तलवार, मैं अपना सर झुकाए खड़ा हूं। अरे ये क्या हुआ, ये तलवार हाथों से क्यों छूट गई? अरे ये तो अपने इष्ट देव को याद कर रहा है। हाँ भाई, मेरे अभी याद आया है, मेरा सालग्राम कहाँ है, ये मेरी जेब में है, जरा मैं एक बार इसके दर्शन तो कर लूं। ठहरो, थोड़ा मुझे समय दो। मत मारो, मैं चंद्रावती राज्य का राजा हूं, तुम मेरे राज्य की सीमा में क्यों आए? महाराज गलती को क्षमा करो, हमें इसे अपने राज की सीमा में ले जाकर ही कत्ल करेंगे। क्यों मारना चाहते हो? राजा दृष्ट बुद्धि के हुक्म से। क्या अपराध है? महाराज इसका कोई अपराध नहीं है,
ये तो बेचारा बेगुनाह है, मारा जा रहा है, बेचारा अनाथ है, इसके माता पिता भी नहीं है। ठीक है, अब तुम अगर अपनी खैर चाहते हो तो भाग जाओ। जी महाराज। तो अब क्या महाराज की। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? पिताश्री मेरा नाम चंद्रहास है। अच्छा अच्छा, तुमने मुझे पिताश्री क्यों कहा? क्योंकि आपने भी तो मुझे बेटा कहा है, फिर मेरे पिता भी तो नहीं हैं। अच्छा, तो तू बड़ा समझदार और होनहार है। महाराज मुझे अब अपनी सेवा में ही रख लीजिए। तो ठीक है पुत्र, जब तुमने मुझे पिता कह ही दिया तो अब तुम्हें अपना पुत्र बनाकर अपने घर ले चलूंगा। आओ मेरे साथ आओ पुत्र, आओ आओ। सज्जन प्रेमियों, उधर चंद्रहास की धाय माँ तो छत से गिरकर घायल हो गई थी और फिर पुत्र के वियोग में प्राण त्याग चुकी थी। इधर क्योंकि राजा कालिंदी के कोई संतान नहीं थी, अतः वह चंद्रहास को अपने महल में ले आया। बेटा ये तुम्हारी माँ है, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम माताश्री। महाराज ये लड़का कौन है? रानी ये लड़का अब हमारा ही पुत्र है। प्राणनाथ आप बातों बातों पे मेरा दिल को ना दुखाए कीजिए, हमारे नसीब में कहाँ संतान है। अरे महारानी नसीब का कुछ पता नहीं, ये तो पल भर में बदल जाता है और देखो आज बदल गया ना। महाराज मैं कुछ समझी नहीं, सच बताइए ये हमारा पुत्र कैसे है? महारानी ये बेचारा अनाथ है, इसका कोई अपराध नहीं था, फिर भी इसको जल्लाद जंगल में कत्ल कर रहे थे, मैंने इसके प्राण बचाए हैं। महाराज वास्तव में फिर तो आप ही इसी के पिता हैं, आपने इसे जीवन दिया है। और रानी अब तो तुम हो गई ना माता, तुमको मिल गया ना बेटा। आ मुन्ना मेरी गोद में आ, बड़ा होनहार है मेरा बच्चा। बेटा आम खाएगा, हमारे बागीचे में बहुत मीठे आम हैं। हाँ हाँ महारानी इसे बागीचे के आम खिलाओ। जी महाराज अभी लाई। ले बेटा आम, मीठे है ना। ले आया, उसे योग्य समझकर राज का कार्य उसके हाथों में सौंप दिया। उधर जल्लादों ने राजा धृष्ट बुद्धि को जब सारा हाल बताया तो धृष्ट बुद्धि क्रोध में काफूर होकर कहने लगा, राजा कालिंदी ने मेरे अपराधी को अपनाया है, इसका मजा चखाऊंगा। चिट्ठी लिख दो, या तो दे दे टैक्स वरना आउट ले लड़ाई मेरी। जाओ ये चिट्ठी राजा के पास पहुंचा दो। दृष्ट बुद्धि दीवान का हलकारा संदेश लेकर हाजिर होना चाहता है। भूपति प्रजापति जग विख्यात सर्वत्र सेवा में श्रीमान के लाया हूं एक पत्र। भैया हलकारे, धृष्ट बुद्धि ने ऐसा कठोर पत्र लिख क्यों दिया? मैं तो उनसे खुद ही बह खाता हूँ। पिताश्री ऐसा क्या लिख दिया है धृष्ट बुद्धि ने? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किस लिए पिता घबराना, क्या कहता है ये परवाना, तुम्हें कसम है गंगे माई की।
मत कोई भेद छिपाना। पुत्र, पत्र में धृष्ट बुद्धि ने लिखा है कि या तो भेद खुदाई ना तो ओट लड़ाई। यानी कि हमसे वो खुदाई मांगता है, टैक्स मांगता है। बिना वजह क्यों घबराते हो, मैं खसम हूं उसकी जाई का। ससुर साहब को कहां लिखा है खाना माल जमाई का। हलकारे, राजा धृष्ट बुद्धि से कह देना, यदि अपनी बेटी की ससुराल के घर का अर्थात अपने जमाई के घर का माल खाएगा तो नरक में जाएगा और लोग बुराई करेंगे। जाओ, जाकर कह दो। और इसके अलावा मैं जो जो बात बता रहा हूं वो सब कुछ कह देना। हां गात में पसीना गया और सुन के बोल सिपाही का, कौन सी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। गात में पसीना गा सुन के बोल सिपाही का, कौन सी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। कौन सी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। दान करा न पाई का, कौन सी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। कौन सी राजनीति में लिखा खाना माल जमाई का। जालनी अन्याय का, कौन सी राजनीति में
से। है बलवंत जिसका दास उच्चारण, बलवंत जिसका दास उच्चारण, करा करे कविताई का तुलसी राजनीति में लिखा, खाना माल जमाई का गात में पसीना आ गया, सुन के बोल सिपाही का तुलसी राजनीति में लिखा, खाना माल जमाई का तुलसी राजनीति में लिखा, खाना माल जमाई का। सज्जन प्रेमियों, हलकारा चंद्रहास का संदेश ध्रष्ट बुद्धि के पास में पहुंचा देता है तो क्रोध में लाल होकर के ध्रष्ट बुद्धि कहता है, मैं जाता हूं, पाई पाई निपटाता हूं, नाक रगड़ के उसकी अपने साथ पकड़ के लाता हूं। महाराज की जय हो, राजा धृष्ट बुद्धि दरबार में पधारना चाहते हैं। स्वागत है राजन का। पिताश्री को चरणास्पर्श, पिताश्री को प्रणाम। महाराज, आज कैसे आना हुआ आपका? मुझे ही संदेश भेजकर कुंतलपुर में बुला लिया होता। राजन, मेरे लड़के मदन की और चंद्रहास की बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये वहां से जिस दिन से आया है वह बीमार है और चंद्रहास की याद करता रहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार इसे मिलने के लिए कुंतलपुर भेज दिया जाए। क्यों बेटा, कुंतलपुर में क्या तुम्हारा कोई दोस्त रहता है मदन? हाँ पिताजी, रहता भी है और नहीं भी, क्योंकि पिताजी दोस्त पक्का तो मेरा वो है नहीं, लेकिन हाँ हम साथ साथ खेला जरूर करते थे। देखो बेटा, तुम्हारी मोहब्बत में वो बहुत अधिक है बेचैन, उससे मिलकर आओ जाओ मानो हमारा ये कहन। पिताश्री, जरा सोच समझ के कहना ये बहन। नहीं बेटा, अब तो हमारी और तुम्हारे पिताजी की दोस्ती हो गई है और अब कोई फिक्र की बात नहीं है। मिलकर चले आना और ये चिट्ठी भी दे आना। इसे तुम खोलकर मत देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ राज काज की बात लिखूंगा और जब तक तुम आओगे मैं यहीं रहूंगा। सज्जन प्रेमियों, राजा धृष्ट बुद्धि उस चिट्ठी में अपने लड़के मदन सेन को लिख देता है कि मदन सेन, तुम इस लड़के को दावत देकर विष दे देना। लड़का चंद्रहास घोड़े पर सवार होकर कोंतलपुर के बाहर राजा के बगीचे में पहुंच जाता है, जहां विषया अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन सैर करने आया करती थी। लड़का विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो जाता है और विषया व उसकी सहेलियां लड़के को देख लेती हैं। क्या कहती हैं? ए सखी, उस पेड़ के नीचे कोई सो रहा है, गंवार सा दिखाई दे रहा है। ये तो उस बुढ़िया का लड़का पहरेदार दिखाई दे रहा है। सखी, कुछ दिखे गड़बड़ झाला है। तेरी तो किस्मत का खुल गया ताला है। इसे देखकर कई महीने बाद खिल गया मन का गुलशन मेरा। हल्दी लगी ना फिट करी, तेरे पास आया है साजन तेरा। तो बहन, इससे बात करने को मेरा भी मन बेचैन है, लेकिन मुझे डर है कि यदि मैं नींद में जगा दूं तो कभी मेरे से लड़ने लगे। अरे विषया, तो लड़ने की बात कह रही है? ये तो तुझे देख के धरती चुचकारेगा और ईश्वर का शुक्र मनाएगा और तेरा एहसान भी मानेगा। बहन, हाँ? ये दूर से चलकर आया है ना, थक भी गया होगा बेचारा, अभी नहीं जगाऊंगी। और इसको देखकर मेरे मन में जो भाव उठ रहे हैं ना, वो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तो खोल दे अपने मन के द्वार और कह दे। Thank you.
हम तो बाग में फल खाने के लिए घूम रहे हैं और तू इतने से बतला ले। सज्जन प्रेमियों, विषया लड़के के पास जाती है, चुपके से बैठ जाती है, उसको निहारती रहती है। अचानक उसकी जेब में एक पत्र दिखाई दिया, निकाल लेती है, उसको पढ़ती है और क्या होता है? पत्र में तो लिखा है, पुत्र मदन सेन, इस लड़के को दावत देकर विष दे देना, राजा दृष्टबुद्धि। ओहो, पिताश्री भी जुल्म, अन्याय और पाप की साक्षात मूर्ति बन गई हैं। इसे हर सूरत में मारना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब मैं इस पत्र का अर्थ ही बदल दूंगी। विष के आगे या लिख देती हूं और जेब में डाल देती हूं। राम राम भाई मदन, क्या हाल है दोस्त? ठीक हूँ मित्र, तुम सुनाओ अपना हाल। और कभी बचपन की भी याद आती है कि नहीं, जब गोलियां खेला करते थे? हाँ हाँ, याद खूब आती है भाई। अरे दोस्त, तुम्हारे पिता ने ये चिट्ठी भिजवाई है, ये लो। पिताजी ने तो बड़ा शुभ समाचार लिखा है। क्या लिखा है भैया पिताजी ने? तुमने पत्र नहीं पढ़ा? ना भाई मदन, महाराज ने कह दिया था कि पत्र गुप्त है, इसमें राजकाज की बात लिखी है, इसे खोलकर पढ़ना मत। क्या बात कही है। आखिर कुछ बताओ तो सही, क्या लिखा है इसमें? पिताजी ने लिखा है, इस लड़के को दावत देकर विषया दे देना। तो आगे की बात तो मैं भी समझता हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ। हाँ हाँ, पढ़े लिखे हो क्यों नहीं आप, अब आगे की बात तो खुद ही अपनी समझ से कर लेना। मित्र, बड़ों का तो इशारा ही काफी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं आपकी दावत का इंतजाम करता हूँ और विषया का हाथ आपके हाथ में सौंपने के लिए शादी का मंडप सजा देता हूँ, जैसे चटमगनी पट शादी। Thank you.
कपित जंबु फलचारु भक्षणम मासुतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेनाहम प्रतिबंध नामी रक्षे मा चल मा चल है। देखिए फेरों के लिए लड़का लड़की खड़े हो जाएंगे, तीन फेरे में लड़की आगे लड़का पीछे रहेगा, एक फेरे में लड़का आगे रहेगा। ओम विश्वानी देव सवित दुर्तानी परासुएं यद भद्रम तन्न आसुएं गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जंबु फलचारु भक्षणम मासुतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेनाहम प्रतिबंध नामी रक्षे मा चल मा चल है। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जंबु फलचारु भक्षणम मासुतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। अरे पंडित जी अभी तो चार फेरे ही हुए हैं, पूरे सात फेरे तो कराओ। देख भाई लड़के, मैं तो चार ही फेरे करवाए करता हूं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनके लिए चार ही काफी हैं। और दूसरी बात ये, जो या थमेगी तो चार में ही थम जाएगी, और जिसे भागना होगा तो चाहे बीस बार फिरवा लो वह फिर भी भागेगी। देखिए हंसिए मत, वर और वधु ध्यान से इन वचनों को सुने। पहले सात वचन कन्या के हैं। प्रथम, जो यज्ञ करे तो उसमें मेरी सम्मति ले, ये कन्या का कहना है। दूसरा, जो दान करे उसमें भी मेरी सम्मति ले। तीसरा वचन, जो तीन अवस्थाएं हैं बाल युवा और बुढ़ापा, इनमें मेरी पालना करें। अरे लड़के चुप कैसे बैठा है, अरे गर्दन हिलाकर हाथों कर ले। चौथा, धन आदि कहीं धरे ढके उसमें मेरी सलाह ले। पांचवा वचन कन्या का है, गाय बैल घोड़ा आदि जो पशु खरीदे बेचे उसमें भी मेरी सम्मति ले। छठा वचन, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर छो ऋतुओं में मेरी पालना करें। सातवां वचन, ध्यान से सुन लड़के, सात की सहेलियों में मेरी हंसी ना करे और ना कठोर वचन कहे तो मैं तेरे बाएं अंग आ सकती हूं। सारे वचन मंजूर हैं? जी हां। अब यह चार वचन वर के हैं। पहला वचन, जंगल वन में न जाए। दूसरा वचन, जो शराब पिए हुए मनुष्य हो तो उनके सामने न जाए। तीसरा वचन, अपने पिता के यहां मेरी आज्ञा के बिना न जाए। चौथा वचन, धर्म कार्य में मेरी आज्ञा भंग ना करे तो मैं बाएं अंग ले लूं। जी कहो कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हूँ ठीक हूँ, जब तक तुम्हारी नरम निगाहें हैं ठीक ही रहूंगा। हमारी नरम निगाहें हैं तभी तो तुम्हारी मौज हो गई। अब पहले छन कह दो। छन? छन तो मुझे किसी ने सिखाए ही नहीं, तुम पहले सिखाओ तब बोलूंगा। अच्छा छन भी हम सिखाएंगे, इतने भोले मत बनो, तुम्हें सब कुछ आता है, जल्दी बोले। नहीं साली जी नहीं,
वास्तव में मेरे से क्षण आते ही नहीं। करो करो, कोशिश करो। कैसे करूं कोशिश, ये कोई गणित का सवाल तो है नहीं कि इसको हल कर दूं। चलो पहले हम ही सिखाते हैं। छन पकैया छन पकैया छन के ऊपर चक्कर। जीजा जी अब अगली लाइन आप बोलो। तो मैं याद करता हूँ, तो अब की बार बोलो तुम साली। छन पकैया छन पकैया छन के ऊपर चक्कर, तेरी बहन संग जोड़ी मिल गई जैसे घी और शक्कर। अब जीजा जी दूसरा छन सुनो। छन पकैया छन पकैया छन के सिर पे ताज, थारी बहन को ऐसी ले जाऊं जैसे चिड़िया को बाज। जीजा तू क्या ले जाता, मान एहसान मेरा और मेरी बहन विषया का। देखो साली, सब जोड़िया संजोग होता है, हमारे बड़े बड़ेरे यही कहते आए हैं, और शादी का संस्कार, ये जोड़ी तो आसमान में से मिलकर के पृथ्वी पर आती हैं। जीजा जी, अगर विष के आगे या ना लिखा जाता ना आंखों के सुरमे से, तो अब तक तो तेरा फूट सा खिला पाता। तेरा कबूतर सा उल्टा मिलता। और जीजा जी मेरी बात सुन और सोच के जवाब देना। अच्छा ठीक। हाँ खुली के भागे तेरे जीजा। विष की जगह विषिया मिल गई। अच्छा ये बिछड़े हुए दो दिल मिले, ये बिछड़े हुए दो दिल मिले, जैसे बाग में फुलवाड़ी खिल गई। से बाग में फुलवाड़ी खिल गई। साड़ी तेरी बाहन का फिर भी रंग चोखा। कुछ करनी कुछ कर मिगती जीजा, हाथ तेरे बढ़िया आ गया मौका। होती चमनी लाखों में, होती चमनी अच्छा। लाखों में जीजा हो के खरी चल गई। मैं पंछी आजाद था, मैं पंछी आजाद था, या आज हथकड़ी मेरे घलगी। कायो छोरा जवान खड़ा। दिल की बहू पटाका सी जीजा, मान लिए मारा एहसान बड़ा।
बेल धर्म की दुनिया में सदा फलती फलती है फलगी। जैसे बाग में फुलवाड़ी खिल गई। चातर बन जाता साड़ी जब सत्संग की मिल जाती गोली। तू तो जीता घना चला के लगे हरी बहना बिल्कुल साथी थोड़ी। पापा की तू दीपक है, पापा की तू दीपक है, तारी प्रेम ज्योति जलगी। या परियों जैसी मूर्ति, परियों जैसी मूर्ति और सूरत जो सांचे में ढलगी। गए जाग मेरे साड़ी। कह दे सिंह पण पत्र तेरा, कह दे सिंह पण पत्र तेरा, धरती पाया की हलगी। और करम पाल चल संभल संभल, करम पाल चल संभल संभल, बंधी मेरे सिर पे है कलंगी। जैसे बाग में फुलवाड़ी खिल गई। सज्जन प्रेमियों, इधर तो चंद्रहास की शादी उसके साले ने बड़ी धूमधाम से रचा दी। उधर धृष्ट बुद्धि सोचता है कि चंद्रहास को तो पुत्र मदन सेन ने जहर दे ही दिया होगा, तो अब चलना चाहिए। इतना सोचकर राजा कालिंदी से चलने की इजाजत लेकर जब अपने शहर में आता है तो शहर की सजावट देखकर दंग रह जाता है। पुत्र मदन को अपने पास बुलाता है, सारी बात पूछ करके उसको धमकाता है, कहता है, मैंने जो इस चिट्ठी में लिखा था वो काम कर दिया। मैंने उसे विष देने के लिए लिखा था, जहर दे दिया। मैंने जो लिखा चिट्ठी में, तुमने वो काम किया ना, लिखा चंद्रहास को विष देना, क्या तुमने जहर दिया ना? पिताजी, लिखा जो चिट्ठी में तुमने, मैंने वो ही बात बुनियादी कर दी। विषिया देना लिखा आपने, सोई मैंने उसकी शादी कर दी। दिखाना चिट्ठी।
चाहे मिश्री का राला हो जाओ, गुड़ की चाहे खांड हो जाइयो, अभी उसे मैं मारूंगा, चाहे बेटी मेरी रांड हो जाइयो, नहीं मरा पापी मेरी लात से, बच गया जल्लादों की भी जमात से, अब के चाहे मेरे हाथ से बेशक हत्याकांड हो जाइयो। मेहरबानो, राजा जल्लाद को हुक्म देता है कि जो सुबह सुबह सबसे पहले देवी के मंदिर में कदम रखे उसे कत्ल कर देना, चाहे कोई भी हो। राजा चंद्रहास को अपने पास बुला करके कहता है, बेटा चंद्रहास, आओ मैं तुमको शुभ की बात बताता हूँ। बताइए पिताजी। शादी करके दूल्हा सबसे पहले देवी पूजन जाता है, इस कारण तुम्हें अभी मंदिर में पूजा करने जाना है। सज्जन प्रेमियों, जिस समय राजा धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को यह आदेश दिया कि तुम्हें मंदिर में जाकर के सुबह ही सुबह पूजा करनी है, तो यह बात उसके साले मदन ने भी सुन ली और ये विचार किया कि मंदिर में जीजाजी के पूजा करने से पहले मैं जाकर के मंदिर को सजा देता हूँ और धूप दीप पूजा की सामग्री मैं मंदिर में ही सुबह ले जाऊंगा। करो मैं इज्जत अपने रिश्तेदार की, भेंट में देवी की दौलत भेजू दरबार की, थाल में पूजा का सामान, भेंट लेके चंदन हार की, कुछ मिठाई असरफी, थैली ले चलू 20,000 की। सज्जन प्रेमियों, सुबह 4 बजे के समय चंद्रहास का साला मदन पूजा की सामग्री लेकर के जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, राजा धर्ष बुद्धि के बैठाए हुए जल्लाद एकदम उसकी गर्दन में तलवार मार देते हैं और मदन सहन वहीं पर ढेर हो जाता है। सारे शहर में यह खबर फैल जाती है, चारों तरफ हाहाकार, चित्कार और रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। विषया मदन सेन की बहन मंदिर में जाती है, माँ दुर्गे से रो रो करके प्रार्थना करने लगती है कि मेरे भैया को जीवित करो। किस प्रकार से? हे माँ दुर्गे, हे असुर मर्दिनी, भक्त वत्सला माँ, मैं आपकी शरण में पड़ी हूँ, अपने भाई मदन के जीवन की भीख मांगती हूँ। माँ बिना भाई के बहन का जीवन आधा अधूरा रह जाता है, कौन मेरा भात भरेगा? राखी, भैया दोज, दोनों त्योहारों को सभी बहनें अपने भाई के बिना ठगी सी रह जाती हैं। माँ, मेरे भाई मदन को जीवित कर दो माँ, जीवित कर दो माँ। हे माँ शैलपुत्री, हे ब्रह्मचारिणी, हे चंद्रघंटा, हे कुसुमांडा, हे स्कंद माता, हे माँ कात्यायनी, हे कालरात्रि, महागौरी, हे सिद्धिदात्री, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और घोर संकट में फंस गया हो तथा आपकी शरण में आ गया हो, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। माँ, आपका भक्त, आपका दास प्रार्थना करता है कि मेरी स्त्री के भाई को आप जीवित कर दो, क्योंकि बिना साले के ससुराल भी कुछ नहीं। पुत्र चंद्रहास, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, जो वर तुम मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, लेकिन ध्यान करो, जिसके पिता ने तुम्हारा कुल नष्ट किया है, तुम उसके कुल को आबाद करना चाहते हो, अधर्म की सजा भोगने दो उन्हें। नहीं माता, नहीं, ऐसा मत करो, जिसका किया पाप है उसको तो आप स्वयं ही सजा देंगी, लेकिन इस बेचारे का तो कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं किया इसने, पिता के गुनाह की सजा पुत्र को नहीं मिलनी चाहिए माता। ठीक है चंद्रहास, हम तुम्हारे संबंधी मदन को जीवन दान देते हैं।
बेटा चंद्रहास, मेरी सभी भूलों को तुम दिल से निकाल देना। अब मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हें विषया की डोली सहित विदा करूंगा। मैं मेधावी का राज तिलक भी तुम्हें करता हूं। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने पिता के राज करथल जाओ या अपने मुंह बोले पिता के यहां चंद्रावती जाओ। पिताश्री, मैं पहले चंद्रावती ही जाऊंगा। मैंने राजा कालंदी को अपने पिता का ही दर्जा दिया है, अतः प्रथम मैं उनके पास में ही जाऊंगा और बाद में जो उनका आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, सदा सुखी रहो। हाँ, दिल से दिल का मिलन हुआ, जीवन में आई बहार मेरी। अच्छा पियाजी, हाँ जी, तो हम भी कह दे कुछ। कह दो जी। जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बन कहता का मिलन हुआ जी, वन में आई बहार मेरी। जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बन कहता बेदार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बन कहता बेदार तेरी। हाँ, तेरी सूरत मन बसगी, अब तेरी सूरत मन बसगी। जू गुंठी बीच न गिना, जू गुंठी बीच न गिना। इसे छेल की बहु बनी, मेरा कितना भागी लखीना, मेरा कितना भागी लखीना। और मद जो बन का जाम मन ते अमृत करके पीना, मन अमृत करके पीना। जिंदगी करी हवाले तेरी खातर मरना जीना, तेरी खातर मरना जीना जीना। सातु बचन निभाऊंगा मैं, सातु बचन निभाऊंगा बनी हेरा की गुणकार मेरी। जोड़ी में सज खड़ी बहुड़िया बन के सलोनी, तेरे जैसी सुगढ़ सलोनी बहु भाग ते मिले, बहु भाग ते मिले। गाती लाले ये छोरे, घूंघट गाती लाले ये छोरे, देख के जले फिर देख के जले। पूनम का चांद नजर ना तेरे ते हिले, ना तेरे ते हिले, ना हिले। मेरे दिल को घाल करेगी, मेरे दिल को घाल करे नैना की चल कटार तेरी। जोड़ी में सज खड़ी बहुड़िया बन के ता बेदार तेरी। जोड़ी में सज खड़ी बहुड़िया बन के ता बेदार तेरी। Thank you.
तो अब मेरी भी सुन ले तू। कह दो पिया जी। और यो छोरा भी तन खोपर से, यो छोरा तन खोपर से ना छोड़े मौका मस्ती का, छोड़े मौका मस्ती का। रात में कर ले चोर पाड़ जो, रात में कर ले चोर पाड़ जो, कोना डर हो गश्ती का, कोना डर हो गश्ती का। कर ले पाती राते पढ़ के, तू मल्ला मेरा कश्ती का, तू मल्ला मेरा कश्ती का। करी डमा डोल मेरा तन, करी डमा डोल मेरा तन, या पायल की धन कार तेरी। जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बनके ताबेदार तेरी, जोड़े में सज खड़ी बहुड़िया बनके ताबेदार तेरी। हाँ रोम रोम गया महक मेरा, अब रोम रोम गया महक मेरा, मिली चंदन कैसी डाली, मिली चंदन कैसी डाली। और भरी जवानी अर्पण तेरे, अब तक मने संभाली टिके, अब तक मने संभाली। और तू मेरी हरियाली से, मेरी हरियाली बगिया, मैं बन गया तेरा माली, मैं बन गया तेरा माली। जहां पीर मरद का प्यार रहे, मन का तक किसी दिवाली, मन का तक किसी दिवाली दिवाली। गुरु जय सिंह कहे अच्छी लागे, गुरु जय सिंह कहे अच्छी लागे, सभा बीच पर चार तेरी। मिलन हुआ जीवन में आई बहार मेरी।